मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो विश्लेषण हो रहा है, इस विश्लेषण में चर्चा का केंद्र उत्तर प्रदेश है। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले सूबे से मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार में जो सोशल इंजीनियरिंग की, क्या वो यूपी की राजनीति को प्रभावित करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी के 14, एससी के 9 और एसटी वर्ग के 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। वहीं पूरे मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें ओबीसी के 27, एससी के 12 और एसटी के 8 मंत्री। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। देश की राजनीति में यूपी की अहमियत क्या है, उसकी वानगी ये तस्वीर है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। इन 7 नए मंत्रियों के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज पहले से ही मोदी मंत्रिमंडल में मौजूद हैं। ऐसे में यूपी में सबसे ज्यादा नए मंत्रियों को शामिल करना बताता है कि बीजेपी की नजर में उत्तर प्रदेश की अहमियत क्या है। ये बात सरकार में शामिल किए गए मंत्री भी जानते हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा जताया है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व मुझे दिया गया है उसके साथ में न्याय कर सकूं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से पीएम को छोड़कर सरकार में अब 15 मंत्री हैं। इन 15 मंत्रियों में 6 सवर्ण हैं, 6 ओबीसी हैं, 3 अनुसूचित जाति से मंत्री हैं। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा खाका तैयार करने की कोशिश की गई जो यूपी में बीजेपी के विनिंग कॉम्बिनेशन के मुताबिक है। बीजेपी की नज़र 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। यूपी के जातीय समीकरण को भी दुरुस्त करने की कवायद की गई है। खास इलाके के नेताओं को मंत्री बनाकर उनका प्रोफाइल बढ़ाया गया है जिससे बड़े वोट बैंक पर उनके असर का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हो। माननीय गृह मंत्री जी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने ये एक मेरी रैली में बोले थे, जनता से बोले थे कि आप इनको जिता के भेजिए, बड़ा नेता हम बनाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने वो वादा पूरा किया है। यूपी की राजनीति देश की राजनीति की दिशा तय करती है। बीजेपी की कोशिश है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल ये नेता यूपी की राजनीति की दिशा तय करें। बड़ा सवाल ये कि क्या ये नेता बीजेपी के पक्ष में यूपी की राजनीति का रुख तय करने में कामयाब रहेंगे। तो देखिए, मान के चलिए इस वक्त पूरी की पूरी सियासत देश में उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ सिमटी हुई नजर आ रही है और सबसे ज़्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से ही कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा फैसला सुनने को मिला है, जो फैसला आगे तमाम तरीके के प्रभाव देखने को मिलेंगे उसके, हो सकता है इसको लेकर के बड़ा बवाल हो। और फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये लिया गया है कि जो कार सेवक हैं उनके नाम पर राज्य में सड़कों का नाम रखा जाएगा। हमने आज ट्विटर पर आपसे इसी में सवाल किया है और आपकी राय मांगी है कि क्या ये सही है, क्या कार सेवकों के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना सही है। आप अपनी राय ट्विटर पर देते रहिए, हम शो के दौरान लगातार आपकी राय को स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे और कुछ लोगों ने जो अपनी राय सामने रखी है स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन यूपी में चुनाव है, लिहाजा मोदी मंत्रिमंडल में शामिल यूपी के मंत्रियों के असर और उनकी काबिलियत का पूरा विश्लेषण भी अब हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन मंत्री यूपी के किस क्षेत्र में असरदार मौजूदगी रखता है, यूपी की किस जाति में उनकी मजबूत पकड़ है और कितनी विधानसभा सीटों के समीकरण को वो प्रभावित कर सकते हैं। यूपी से मोदी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों का हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले हम आपको उन मंत्रियों की जानकारी देते हैं जो यूपी से आते हैं लेकिन वो पूरे देश की राजनीति में असर रखते हैं। और ये मंत्री अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है देश के रक्षा मंत्री का, राजनाथ सिंह का। अब बड़ा कद है, उत्तर प्रदेश से पूरे देश में अपना प्रभाव रखते हैं स्मृति ईरानी है, मुख्तार अब्बास नकवी, जनरल वीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, यानी वो 5 नाम हैं जो कि इनको हम धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर नहीं देख सकते, इनका कद काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसके बाद जब हम आते हैं और यूपी के बाकी नेताओं को, जिनको सांसदों को कैबिनेट में शामिल करके मंत्री बनाया गया, उनकी तस्वीर देखते हैं तो वहाँ से आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि कैसे वो धर्म और जाति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं
ये तो वो बड़े चेहरे थे जो पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश में असर रखते हैं। यूपी से मंत्री बने बाकी नेताओं के विश्लेषण से पहले सुनते हैं एसपी सिंह बघेल को, जो विपक्ष के उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं जिसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कई वर्गों की अनदेखी हुई। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्रिपरिषद की सूची आपने भी देखी, आपने दिखाई और हमने देखी और साथ में रहे, एक खूबसूरत गुलदस्ता प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है मंत्रिपरिषद के रूप में। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। तो कल का जो मंत्रिपरिषद है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, तमाम वर्ग जातियाँ महक रही। और अब उन मंत्रियों पर चर्चा करते हैं जिन्हें मिशन 2022 और 2024 के नजरिए से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सबसे पहला नाम है अनुप्रिया पटेल। इनका असर 50 से 60 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। पूर्वांचल में कुर्मी वोट पर इनकी मजबूत पकड़ है। इसके बाद पंकज चौधरी, इनका प्रभाव 15 से 20 विधानसभा सीटों पर है। पूर्वांचल में कुर्मी वोट पर इनकी भी मजबूत पकड़ है। इसके बाद कौशल किशोर, पासी दलित वोट बैंक पर इनका असर है और यूपी में 25% दलित वोट है। बीएल वर्मा, इनका असर 10 विधानसभा सीटों पर, बदायूं रुहेलखंड मंडल में इनका जबरदस्त प्रभाव है। भानु वर्मा, इनका भी असर लगभग 15 विधानसभा सीटों को ये प्रभावित करते हैं। बुंदेलखंड मंडल में कोरी मतदाताओं पर इनकी बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ है। अजय मिश्र, 15 विधानसभा सीटों पर ये असर डालते हैं। खीरी रुहेलखंड में ब्राह्मण वोटों पर मजबूत पकड़। एसपी सिंह बघेल, असर 10 विधानसभा सीटों पर इनका है। आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोटर खासतौर से अगर हम कहेंगे उन पर इनकी मजबूत पकड़। साथ ही निरंजन ज्योति, असर इनका 10 विधानसभा सीटों पर, फतेहपुर के आसपास निषाद वोट पर ये मजबूत पकड़ रखते हैं। और इनके साथ महेंद्रनाथ पांडे हैं जिनका 8 से 10 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। पूर्वांचल में अवध क्षेत्र में ब्राह्मण वोट पर इनकी मजबूत पकड़ है। संजीव बालियान, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 73 विधानसभा सीटें हैं जिसमें ये 5% जाट वोट पर मजबूत पकड़ रखते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।